once again. What's up guys, I hope you guys are doing very well और because ये जनवरी का मंथ है, न्यू ईयर है, सो हैप्पी न्यू ईयर गाइज. और आप बहुत सारे प्यार बांटते रहिए और आपके जो भी ड्रीम्स हो वो सारे कंप्लीट हो इस साल में, जो भी आपने प्लान किया हो. तो मैं आपको फर्स्ट बताना चाहूंगी, मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल हो, तो वाई नॉट टूडे आई हैव स्टार्टेड दिस वीडियो. सो फर्स्ट मैं आपको इस वीडियो से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी. ये वीडियो मैंने आज स्पेशली इस बेस पे बनाया है, क्लब फैक्ट्री हॉल रिव्यू. तो मैंने बहुत कुछ आइटम वहां से परचेज की थी लास्ट मंथ, तो आई थॉट कि कुछ मेरे जो खुद का एक्सपीरियंस है वो रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि इन फ्यूचर आप कुछ प्लान कर रहे हो वहां से लेने का, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो कि किस टाइप के आइटम्स वहां पर मिलते हैं. तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बट पूरा वीडियो देखिएगा. और प्लीज अगर आपको लगता है वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है या आपको पसंद आया, तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर कोई भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप फर्स्ट उसे व्यू कर पाओ. तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं मैंने क्या क्या परचेज किया है. तो फर्स्ट मैंने जो परचेज किया है वो है स्पेगेटी. पैकेजिंग की कुछ ऐसा आता है, एक बड़ा सा ह्यूज सा पैकेज होगा जो ऑल ओवर आप जितने भी आइटम एक साथ लोगे, और उसके बाद इंडिविजुअली एक एक पैकेज ऐसा आपको मिलेगा. तो ये एक्चुअली स्पेगेटी तो है और साथ में एक बॉडी शेपर भी है, जिससे गर्ल्स होते हैं उनके थोड़े से फैट्स होते हैं. ऑब्वियस हम कोई भी ड्रेस पहनते हैं फिटिंग ड्रेस, तो उसमें हमें थोड़ा सा यही डर लगा रहता है, यार पेट तो नहीं दिख रहा, लाइक कुछ ऐसा फील होता है. तो मेरे में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि यार एक बॉडी शेप प्लस स्पेगेटी टाइप का मिल रहा है, सो लेट्स ट्राई इट. तो मैंने एप्रिकॉट कलर में लिया था, स्किनी कलर पे, और मैं कहूं तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा. जो इसका स्टफ है स्ट्रेचेबल बहुत ही है, बहुत टाइट स्ट्रेचेबल है, तो मीन्स आपका जो भी बेली फैट होगा वो बहुत अच्छे से जो है हाइड हो जाएगा. तो ये परफेक्टली 100% हाइड नहीं होता, बट ये 60% मैं बोल सकती हूँ कि इससे हाइड हो जाता है, कवर हो जाता है. उसके बाद आप उसके ऊपर कोई भी फिटिंग जो आप ड्रेस पहनना चाह रहे हो पहन सकते हो. तो इसका कॉस्ट मुझे पड़ा था गाइस 248 रुपीज का. देखिए इसका मैंने साइज पिक किया था स्मॉल साइज. तो मैं आपको इसमें और एक चीज बताना चाहूंगी, जब भी आप कुछ भी बॉडी शेपर टाइप का ले रहे हैं, तो जो भी आपके नॉर्मल साइज हो उसे एक साइज छोटा लीजिएगा, क्योंकि उसका फिर जो ग्रिप है या जो आप शेप बताओ वो परफेक्टली आएगा. अगर आप सेम साइज का ही लोगे तो उसमें क्या होगा, जो आपके फैट है वो अच्छे से कवर नहीं हो पाएंगे, उसमें शेप नहीं आ पाता है. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं. तो फर्स्ट मेरा ये रहा और ये इसके लिए मैं थम्स अप दूंगी, अच्छा लगा मुझे ये. सेकेंड मैंने जो लिया था ये सनग्लास लिया है, एक छोटा सा पिंक कलर का. ठीक, ये एक्चुअली मेरे लिए नहीं है, ये मेरी बेबी के लिए है, शी इज अ गर्ल सो पिंक कलर इज बेस्ट फॉर हर. तो देखिए ये ऐसा लुक है सनग्लास. एक्चुअली वो बाइक में अपने पापा के साथ चली जाती है बुलेट में, तो आई थॉट कि उसके लिए एक होना चाहिए, वो बड़ी हो रही है, तो मुझे बहुत ही अच्छा क्यूट सा लगा, तो मैंने उसके लिए ले लिया. और इसके पापा को भी बहुत पसंद आया है, मेरे हस्बैंड को. तो इसका कॉस्ट मुझे पड़ा है, ज्यादा नहीं पड़ा, ये 134 रुपीज का है. और इसका जो मेटल लुक टाइप का है, प्लास्टिक और जो इसका फाइबर टाइप का है, अच्छा है इसका लुक, और इसका मतलब मुझे अच्छा लगा. प्राइस के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है, इसके लिए भी थम्स अप. नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ मैंने लिया है सनग्लास के बाद, एक्चुअली मैंने नोट डाउन किया है ताकि मैं कुछ भी मिस आउट ना करूं. ओके, पैंट लिया है मैंने, एक सीमलेस पैंट. यस सॉरी, ये हाँ इसकी पैकेजिंग भी कुछ ऐसी ही थी. ये शॉर्ट है, एक्चुअली जब भी आप कुछ भी ड्रेस पहन रहे हो शॉर्ट टाइप का, उसके अंदर आप ये पैंट पहन सकते हो. मेरे पास डिफरेंट कलर्स के हैं, बट ये मैंने जस्ट, ये मेरा फर्स्ट शॉपिंग है क्लब फैक्ट्री से, तो मैंने ज्यादा कुछ बड़ा चढ़ा खरीदा नहीं है. तो स्टार्टिंग मैंने उसी से किया था, अगर कुछ नुकसान हो तो ज्यादा पैसे का नुकसान ना हो. तो नॉर्मली फिर एक शॉर्ट्स मैंने ट्राई किया इसका. ये सीमलेस पैंट है एक्चुअली, तो इसका लुक आपको ना इसके बॉटम में थोड़ा सा ऐसा आएगा लुक, वेवी लुक. और ये एक्चुअली, हाँ गाइस आई थिंक आप लोग को दिखा होगा ये. और इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है, ये पहनने के बाद बहुत ही आप कंफर्ट फील करने वाले हो. इसकी लेंथ भी वैसी ही है जैसे आपको इमेज में दिखेगी.
एंड आई एम श्योर कि मैं इस वीडियो के एंड में इसके सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, ताकि आप डायरेक्टली उस लिंक के थ्रू उस जो भी आइटम मैंने खरीदा है उसमें आप चेक कर पाओ। तो इसका ऑल ओवर इसका भी अच्छा है, इसका प्राइस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसका मैंने लिया था 177 रुपीज का। इसमें कलर ऑप्शन था सिर्फ व्हाइट एंड ब्लैक, तो मैंने ब्लैक वाला पिक किया है। देन नेक्स्ट मैंने एक ज्वेलरी आइटम लिया है इनका। यस, ये पैकेज मैंने अभी निकाला है। तो ये हाँ, ये देखिए, इसमें मुझे एक पॉइंट के लिए मैं इसको नेगेटिव मार्क करूंगी। ये आपने वैसे जनरली यहाँ पर भी देखा होगा। देखिए, ये जब मेरे पास मैंने जब इसको रिसीव किया था, ये ऐसे ही एज इट इज रिसीव किया, अभी तक मैंने इसको यूज नहीं किया है। फर्स्ट मैंने सोचा था कि एक बार मैं इसका रिव्यू दे पाऊं, उसके बाद मैं इसको फिक्स करके खुद इसके लिए ट्राई करूंगी। तो इसका एक्चुअली जो ये ज्वाइंट वाला है, इसका एक हुक जो है यहां से मिसिंग है। ये जब आया था उसी टाइम ही था, तो इसका मैंने उनको फीडबैक भी दिया है ऑनलाइन ऐप में जाके। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज इसका जो प्रोडक्ट है ये नेक पीस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा नेक पे सूट भी कर रहा है। इससे मैं हुक कर लूंगी, जो हुक के जो इश्यू है ये मैं दूसरे ज्वेलरी मेरे पास जो ऑलरेडी है उसमें से देख लूंगी, उससे फिक्स कर लूंगी, या फिर मैं थ्रेड से भी इसको टाइप कर सकती हूँ। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ इसका लुक कैसा आएगा। सी, इसका लुक अच्छा है, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। और ये मैंने कितने कॉस्ट में लिया था, 167 रुपीज का। तो ये इसके लिए भी मैं थम्स अप ही दूंगी, सिर्फ एक सिले मिस्टेक था इनका जो कि उसका हुक मिसिंग था, अदरवाइज ये अच्छा है, ये खुद से मैं फिक्स भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट आइटम मैंने लिया है पैंथोस। सी, इसकी पैकेजिंग भी सेम ऐसे ही पैकेट में थी जो मैंने अभी जस्ट निकाल के ही रखी थी, ताकि मैं जल्दी जल्दी रिव्यू दे पाऊँ, उसमें टाइम वेस्ट ना हो। ये ब्लैक कलर का मैंने लिया है, स्किनी कलर मेरे पास ऑलरेडी है, और ये स्टॉकिंग मटेरियल होती है इनकी। तो फर्स्ट मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी, एक होता है पैंथोस जो स्किनी कलर का होता है, और एक होता है ब्लैक में ही ट्रांसपेरेंट लुक जो इससे थोड़ा सा पतला होता है। और ये वाला जो मैंने लिया है प्रॉपर ब्लैक कलर का है, तो ये पूरा आपका जो पैर है वो कवर हो जाएगा इसमें। तो इसका जो फैब्रिक है ऑसम है, और इसकी स्टिचिंग जो है, इसके स्टिचेस बहुत अच्छे हैं, इंटरलॉक बहुत है अच्छे हैं, कि मीन्स कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि ये खराब होगा जल्दी। तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये टाइमली चलेगा, और ये पूरा फुल लेंथ होता है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा क्लोजअप करके दिखा देती हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है और फैब्रिक इसका ऑसम है। तो मैं इसका प्राइस आपको बता देती हूँ, पैंथोस मेरे को पड़ा था 216 रुपीज का। तो इसके लिए भी थम्स अप है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, मैंने लिया है पैंथोस के स्कर्ट। स्कर्ट मेरा फेवरेट वन है गाइस। ये पेंसिल स्कर्ट है। सी, इसका जो फ्रंट लुक है ये यहाँ, ये आपके नीज से थोड़ा सा अप इसका लुक होगा, और इसके चार बटन दे रखे हैं इन्होंने ब्लैक कलर का, रेड पे ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा अच्छा, इसका अच्छा लुक आ रहा है। पेंसिल स्कर्ट है तो इसकी फिटिंग बहुत परफेक्ट है। इसका जिप वाला दे रखा है इन्होंने, इसका लेंथ अच्छा खासा दे रखा है। मैं आपको बता देती हूँ, हाँ यहाँ तक इसका जिप पॉइंट है, मैं एक बार ओपन करके भी दिखा देती हूँ। सी, तो इसकी फिटिंग आपकी बहुत अच्छी आने वाली है, और पीछे से इन्होंने थोड़ा सा ओपन दे रखा है, ताकि आप वॉक करो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, तो कंफर्टली आप वॉक कर पाओ। इसका फैब्रिक की बात करूं तो बहुत अच्छा फैब्रिक है। मैंने शीन से भी प्रोडक्ट लिया है स्कर्ट, या मैंने बाहर से शॉप से जब लिया था, तो उसका मुझे एक चीज बहुत खराब लगा था, उसका फैब्रिक मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि वो बहुत ही मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का होता था। और मैं जस्ट यही चेक कर रही थी कि इसमें जैसे इमेज में दिख रहा है एज इट इज वैसा मिलता है कि नहीं। तो इसके लिए बिग थम्स अप है, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा है, और मैं बहुत हैप्पी हूँ इसके। इसके मैं प्राइस आपको बता देती हूँ, ये मेरे को पड़ा था 825 रुपीज का, और इसका साइज मैंने पिक किया था मीडियम साइज, तो मेरे लिए मीडियम जो है परफेक्ट आया है। और इसमें कलर ऑप्शन था एक ब्लैक कलर और एक रेड, तो मैंने रेड वाला पिक किया था। नेक्स्ट स्कर्ट के बाद मैंने एक फुटवेयर जो है वो पिक किया था ब्लैक कलर का। इसकी पैकेज कुछ ऐसा था, ये डबल पैकेज है, ये फर्स्ट जो कि बबल रैप था, ताकि स्क्रैच या कुछ खराब ही ना आए इसमें। तो ये है इसका मेरा जो लुक है, मैं दिखा देती हूँ, देखिए ऐसे। अब मैं इसको सिंगली दिखाती हूँ, मेरा एक्चुअली पैर थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने 41 साइज लिया है।
ये इसका साइज दे रखा है इन्होंने, बट जब आप लेने जाओगे तो उनका जो चार्ट होता है साइज का, उसमें आप जरूर चेक करके लीजिएगा कि यूएस साइज का 6.5 इंचेस वाला है। तो ये मेरे जो मेरा पैर है उसके लिए परफेक्ट साइज है, ना बड़ा ना छोटा, एकदम परफेक्ट है। इसका लुक भी बहुत अच्छा है। बेल्ट इसका इस टाइप का है, एक हल्का सा छोटा सा बोर्ड दे रखा है विथ पर्ल के साथ। इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। और हील इसकी 5 से लेके 5.5 इंचेस वाली हील है इसकी, तो इसकी अच्छी है। ये मुझे अच्छा लगा इसके ब्लैक में। और इसका लुक जो है ये थोड़ा मैटी लुक है, पूरा शाइनिंग नहीं करेगा, ये मैटी ब्लैक में है। इसमें कलर ऑप्शन था, बट आई थिंक एक व्हाइट कलर में था, एक ब्लैक था और एक आई थिंक ब्राउन कलर में था। यस, ये 3 कलर्स थे उसमें। आप एक बार लिंक के थ्रू भी चेक कर लीजिएगा, डबल चेक, तो आपको कुछ और पसंद आए तो आप वो भी ले सकते हो। ये मेरे को 1100 का पड़ा था। जी हाँ, ये 1100 का मुझे पड़ा था, और ये भी मेरे लिए, इसके लिए भी बिग थम्स अप है। ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। सैंडल के बाद एक मैंने क्लॉथिंग आइटम में एक और चीज ली, एक टॉप ली है। देखिए, इसका कॉस्ट है 408 रुपीज का। और मैं बताना चाहूंगी, जब भी आप क्लॉथ फैक्ट्री ओपन करोगे ना वेबसाइट, तो उसमें आपको ये टॉप नॉर्मल दिखेगा ही दिखेगा, ये बहुत नॉर्मल है। तो मैंने जिस, मेरे पास इस टाइप का था नहीं ऐसा डिजाइन वाला, एक कलर वाला, तो आई थॉट कि एक परचेज करके देखा जाए कैसा लगता है। बट पहनने के बाद बहुत अच्छा लगा। इसका साइज मैंने पिक किया था एम साइज मीडियम, और ये साइज मेरा बहुत परफेक्ट साइज है, न टाइट न बड़ा, परफेक्ट है। और ये जॉर्जेट कपड़े में है प्रिंट इसकी। और इसी टाइप के टॉप आपको 2-3 डिजाइन अलग अलग में होगा, प्रिंट सेम होगा, कलर भी सेम होगा, जिसके स्लीव्स में आई थिंक थोड़े से चेंजेस होंगे और इसके नेक डिजाइन में चेंजेस होंगे। तो ये इसकी लेंथ भी थोड़ी शॉर्ट टाइप में आती है, तो ऑल ओवर ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये भी आप एक ट्राई कर सकते हो लेने के लिए। ओके, टॉप के बाद जो लास्ट आइटम मैंने ली है, उसे मैंने लास्ट इसलिए रखा है गाइस क्योंकि सबसे बकवास लगा मेरे को, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये है, ये हेयर एक्सेसरीज हैं। थोड़े से हम गर्ल्स को होता है कि थोड़ा सा पफ लुक के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं, तो मैंने बेसिकली ये लिया था। ये कितना प्राइस लेता है, 116 रुपए का, 116 रुपीज, जो कि इसके लिए बकवास है। ये कुछ भी नहीं है, एक स्पंजी टाइप का इन्होंने दे रखा है ऐसा पिनअप के साथ। और ये अगर आप यूज करते हो, एक तो ये आपके बालों में स्टिक रहेगा ही नहीं, और ऊपर से स्लिप होता रहेगा, और साथ साथ में आपके बाल जो है इससे जो है कवर भी नहीं होंगे, वो विजिबल हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं से निकल जाता है। ये परफेक्टली बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने कहीं पर कभी लिया हुआ है या आपको लगता है कि परफेक्ट है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिएगा। अदरवाइज मेरे लिए पर्सनली अगर बोलूं तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने ये लास्ट ऑप्शन में रखा था। और इसके जो चार्जेस हैं इसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है। तो मेरा लास्ट प्रोडक्ट था। यस गाइस, दैट्स ऑल। ये मैंने टोटल आई थिंक 10 आइटम्स मैंने परचेज किया था क्लब फैक्ट्री से। ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो बहुत अच्छा रहा, और आपको मैं रेकमेंड करूंगी कि आप वहां से जरूर ट्राई कीजिए। सिर्फ मेरा नेगेटिव पॉइंट इसी के लिए है, लास्ट वाला आइटम, और जो ज्वेलरी आइटम में जो नेक पीस का एक हुक गायब था, अदरवाइज ऑल ओवर बहुत अच्छा है। तो गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डिटेल्स दे दूंगी। फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।